Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। बुधवार को तमिलनाडु में वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत तथा उनकी पत्नी सहित कुल 13 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों की आत्मा की शांति हेतु ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उदयपुर एवं युवक कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गुरुवार को दोपहर 2 बजे करीब स्थानीय विश्राम गृह उदयपुर में 2 मिनट का मौन रखकर सीडीएस बिपिन रावत उनकी पत्नी सहित 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मंत्री प्रतिनिधि सिद्धार्थ सिंह देव, शेखर सिंह देव, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, जनपद सदस्य शांति राजवाड़े, सरपंच संघ अध्यक्ष राम सिंह, रोहित सिंह, टेकाम बबन रवि, संतोष गुप्ता, कुंजल राजवाड़े, घासी सुमिरन सिंह तथा युवक कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश सोनी सहित अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? प्रकाश सोनी। कौन से पद पे हैं? युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष उदयपुर। आज ये जो आप लोग शोक सभा रखे थे, किस लिए था बताएंगे? जी, बुधवार को तमिलनाडु में वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से देश के पहले सीडीएस विपिन रावत जी और उनकी पत्नी सहित कुल 13 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की आत्मा की शांति हेतु ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उदयपुर एवं युवक कांग्रेस कमेटी उदयपुर की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस कड़ी में आज 2 मिनट का मौन रखकर सीडीएस विपिन रावत जी, उनकी पत्नी, अन्य 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई।